जय माता दी। जब भी किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य प्लस चंद्र एक साथ आ जावे तो समझ लेना कि उस कुंडली में अमावस्या दोष है, या फिर यूं कहे उस बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। अमावस्या के समय पैदा हुए सभी जातकों के कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र एक भाव में अवश्य नजर आएंगे। हाँ, वो किस भाव में आएंगे डिपेंड करता है किस समय जन्म हुआ है। जैसे प्रातः काल हुआ है, दिन में हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है, जैसे अगर रात को 12 बजे के बाद हुआ तो चौथे भाव में आएगा अमावस्या दोष, ऐसे ही दोष अलग अलग स्थानों पे नजर आएंगे लेकिन दोष अवश्य होगा। अब अमावस्या दोष होता क्या है मित्रों? अमावस्या दोष ये होता है कि जब सूर्य के करीब चंद्र आ जाता है तो चंद्र अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि अमावस्या के दिन होता क्या है, चंद्र बिल्कुल अस्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन चंद्र हमें दिखाई नहीं देता है, चांद दिखाई नहीं देने के कारण एकदम अंधेरा छा जाता है रात्रि के समय। तो यही होता है अमावस्या दोष में, अर्थात चंद्र अपना प्रभाव खो देता है। और इसका नुकसान कहाँ होता है कि व्यक्ति अपनी माता से दूर हो जाता है, या फिर यूं कहे कि माता की तबीयत ठीक नहीं रहती है और माता से दूरी लगभग 99% श्योर हो जाता है अमावस्या दोष के कारण। अब माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और माता बीमार रहेगी, ये भी संभावना है कि माता की मृत्यु जल्दी हो जाए, जिसके चांसेस कई बार हमने देखा भी है। तो अमावस्या दोष सबसे पहले ये काम कराएगा। दूसरा, क्या इसके कोई फायदे भी है? बिल्कुल है। अगर सूर्य और चंद्र एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ या लिटरेचर की तरफ या यूं कहें पढ़ने लिखने की तरफ ज़्यादा झुकाव पैदा करते हैं, क्योंकि चंद्र है माता का कारक और सूर्य है पिता का कारक, दोनों एक साथ आ करके उसको शक्ति प्रदान करते हैं कि हर मुसीबत को पार कैसे कर सके। ठीक है, अब विभिन्न भावों में अमावस्या दोष अलग अलग परिणाम देता है। सबसे पहले हम समझिए, हमने बाजू में दृष्टि का टेबल दिया हुआ है, उसमें देखेंगे कि सूर्य की जो दृष्टि 7 नंबर लिखा, चंद्र की दृष्टि 7 नंबर लिखा है, अर्थात दोनों की दृष्टि 7 नंबर है। अर्थात इस कुंडली में आप देखेंगे जहाँ पे रोमन नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4 रोमन नंबर, वो देखेंगे 1 नंबर पे हमने इस समय अमावस्या दोष दिखाया हुआ है सूर्य और चंद्र की युति, अर्थात ये पहला भाव हुआ जहाँ पे रोमन नंबर 1 लिखा है, जहाँ पे 2 लिखा है दूसरा भाव, जहाँ पे 3 लिखा है तीसरा भाव, जहाँ पे 4 लिखा है वो चौथा भाव, जहाँ पे 5 लिखा है 5वां भाव, जहाँ पे 6 लिखा है 6ठा भाव, और जहाँ पे 7 लिखा है वो 7वां भाव। अर्थात सूर्य 7वीं दृष्टि देगा, मतलब सूर्य केवल जहाँ बैठा है वहीं पर नहीं देखेगा, उसके सामने भी नज़र देगा। और वही हाल चंद्र का है, चंद्र भी भले लग्न में बैठा है लेकिन उसकी दृष्टि सामने भी अवश्य होगी। ठीक है, तो अमावस्या दोष अगर बनता है, अगर वो दोष किसी शुभ भाव में नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो जहाँ बैठा है वहाँ पे और जहाँ दृष्टि देगा वहाँ पे दोनों जगह नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों एक साइड बैठ गए। एक चीज़ और समझने की आवश्यकता, अगर इस दोष में चंद्र अस्त हो जावे, क्योंकि सूर्य के करीब आने पे ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। इस बात का भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस कुंडली में अमावस्या दोष जहाँ बैठेगा वहाँ दिक्कत देगा, जैसे चौथे भाव में बैठता है तो सुख में कमी आ जाएगी, ठीक है, सुख को रोक देगा। दूसरे भाव में बैठता है तो धन और वाणी में कमी आ जाएगी। तीसरे भाव में बैठता है तो पराक्रम में कमी आ जाएगी, भाई बहनों से झगड़े होंगे। पांचवें भाव में बैठता है जहाँ विद्या और संतान का स्थान है तो वहाँ पे संतान के सुख में कमी आ जाएगी और विद्या भी उत्तम नहीं रहेगी। वहीं छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को रोग घेर लेगा। सातवें भाव में बैठेगा तो पत्नी से झगड़े होंगे, व्यापार नहीं चलेगा। आठवें भाव में बैठता है तो फिर वहाँ भी रोग की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति की एक ऊर्जा ऐसी मिलेगी कि वो ईश्वर के करीब जा सकता है, मतलब गुप्त ज्ञान। नवे भाव में बैठता है तो भाग्य साथ नहीं देगा। दसवें भाव में बैठता है तो पिता से अनबन बनी रहेगी, कर्म और व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। दसवें भाव में ग्यारहवें भाव में बैठता है तब आय और लाभ में कमी आएगी। और अगर द्वादश भाव में बैठता है अमावस्या दोष तो व्यक्ति को हानि होगी, नुकसान होगा जगह जगह। तो एक प्रकार से तो निश्चित है कि अमावस्या दोष कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। बस इतना ही है कि वो व्यक्ति को लिटरेचर की तरफ आगे लेके जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आगे लेके जाएगा, जिसके कारण उसकी जीविका चलेगी और वो उसमें सफल रहेगा। एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है कि अमावस्या दोष सूर्य और चंद्र बनाते हैं। अगर आप नीचे का टेबल देखेंगे
सूर्य के पास सिंह राशि है 5 नंबर, देखिए 5 नंबर के नीचे सिंह राशि सूर्य देवता उसके स्वामी है, और ऐसे ही 4 नंबर के नीचे कर्क राशि है उसके देवता चंद्र है। तो सूर्य और चंद्र के पास 4 और 5 नंबर है, तो जहाँ पे भी 4 या 5 नंबर लिखा होगा, जैसे आपकी कुंडली कुंभ लगन की है, मेष लगन की है, अलग अलग हर व्यक्ति की अलग होगी, तो उस पर भी इनका प्रभाव अवश्य रहेगा। तो ये है अमावस्या दोष, और अगर आपकी कुंडली में अमावस्या दोष है तो आपको पितृदोष की संभावना भी बढ़ जाती है, पित्तों के कारण जो दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप अमावस्या के दिन हवन करें, पितरों को भोजन इत्यादि कराएं, और सूर्य और चंद्र का उपाय हर अमावस्या को निश्चित करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दान धर्म करें, बड़ों की आज्ञा माने, उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, यही है अमावस्या दोष का मुख्य उपाय। जय माता दी।